गुड मॉर्निंग क्लास। हमने सोशल में हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था टर्म 2 में। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर 3 का नाम है अवर वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो। अच्छा, वाटर नाम तो हमने सब सुना है, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्सेज का मीनिंग ये होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं उन्हें ही रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, अब जो वाटर हमारे लिए रिसोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो देखो, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स। वाटर क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ह्यूमन बींग्स के लिए ही, एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिसाइड्स ड्रिंकिंग, वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेटिंग क्रॉप्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पीने के अलावा वाटर का क्या यूज़ होता है? क्रॉप्स को उगाने के लिए, खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्रॉप्स इरीग्रेशन के लिए, सिंचाई के लिए, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का भी बहुत एक ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि जितने भी आपने देखा है कि हमारे कई सारी कंट्रीज से बाउंड्रीज कैसी लगी हुई हैं, ओशन के थ्रू लगी हुई है, तो हम उन तक कैसे जाते हैं? बाय शिप्स। तो ये शिप्स किस पे चलती हैं? ओशन या सी में चलती हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया है। ठीक है, ये तो आपके वाटर के इम्पोर्टेंस हो गए। नेक्स्ट, अब सोर्स ऑफ वाटर। जो वाटर हमें मिलता है, हमारे आसपास है, उसका सोर्स क्या है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन क्या है? सबसे मेन सोर्स है वाटर का। व्हेन इट रेन्स, सम रेन वाटर फ्लोज टू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? पानी बह के सीधा कहाँ जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में है। ठीक है, यहाँ पर बह के चला जाता है। सम रेन वाटर सिप्स टू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स बिलो द ग्राउंड, दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अब जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश में सारा पानी आपका बह के नहीं जाता, कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेती है, ग्राउंड आपका जो होगा वो सिप कर लेगा, सोख लेगा। तो ये वाटर जो सोख लिया जाता है वो ज़मीन में नीचे जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? अंडरग्राउंड वाटर। अब इस अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये अंडरग्राउंड वाटर हमें कहाँ से मिल सकते हैं? वेल्स, कुएँ, ट्यूबवेल्स, जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं, और किससे? और हमें सीधा मिल सकता है हेडपम्प से। ठीक है, यहाँ से हम इन वाटर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिवर मिड्स इन द बिग सी आर कॉल्ड ओशंस। जहाँ पर रिवर बहुत बड़े सी से जब जाके मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया कि जो नदियाँ होती है, वो नदियों को जब ओशन सी से जाके मिलती है, बहुत बड़े समुद्र से जाके मिलती है, तो उसे ओशन कहा जाता है। ठीक है, थस द रेन ओशन सी रिवर लेक पॉन्ड्स वेल्स ट्यूबवेल्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। तो अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हमें वाटर्स मिलता है। कहाँ से मिलता है? सबसे पहला तो मेन सोर्स क्या है? रेन है, वहाँ से मिलता है। उसके बाद ट्यूबवेल है, आपका वेल है, कुआ है, ट्यूबवेल है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, लेक हैं, इन सब जगहों से हमें क्या है? वाटर मिल सकता है। अब नेक्स्ट, मीन्स ऑफ इरीग्रेशन। इरीग्रेशन का क्या मीन्स? इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया है, भारत, वो एक कृषि क्षेत्र है, कृषि देश है। कृषि मीन्स हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, मतलब उनका खेत है, वो खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, बेचते हैं और उन्हीं से ही अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, उनका काम ही वह होता है। वी नीड वाटर फॉर इरीग्रेशन। हमें इरीग्रेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की, क्योंकि क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाटर इज़ वेरी अनइवन इन आवर कंट्री। अब देखो क्या होता है ना,
कि हर जगह पानी की सप्लाई एक जैसी नहीं है, मतलब हर शहर को हर स्टेट को नदियाँ नहीं मिली हुई हैं, या फिर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी नहीं है। कुछ जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जैसे कि राजस्थान है ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। और जबकि हम केरल साइड चले जाएँ, बिल्कुल नीचे आपके केरल तमिलनाडु, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है ऐसा है। तो हर जगह पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पानी कहाँ कैसे कैसे है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल में आपको पानी मिलेगा। कहीं पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर बहुत कम मिलेगा, कहीं पर एवरेज मिलेगा, ठीक है। समटाइम्स देर आर हैवी फ्लड्स, कई बार तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इतना पानी होता है। और बिगेन तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ पर आसपास पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। देर इज़ ए नीड ऑफ सफिशियंट वाटर सप्लाई। अब हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें वाटर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, सिंचाई के लिए तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इरीग्रेशन ऑफ आवर क्रॉप्स। अब देखो, बारिश का सीज़न तो सिर्फ 4 ही मंथ का होता है ना, उसमें भी बारिश कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। अब हम तो पूरी साल 12 मंथ हम पूरी क्रॉप्स उगाते हैं, एग्रीकल्चर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, पानी तो पूरे टाइम लगता है। अब हम 4 मंथ पर तो डिपेंड नहीं रह सकते, जैसे रेनी सीजन आएगा तो हम सिर्फ उसका वेट नहीं कर सकते, बहुत लॉस हो जाएगा हमें, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इरीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इरीग्रेशन मीन्स कि आप अपने तरीके से पानी के कोई अरेंजमेंट करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, वेल्स लगाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं। कैनल्स क्या होते हैं कि एक छोटी सी आप बोल सकते हो, नदियों के पानी को आप एक नाली की तरह बना के उसमें से वाटर फ्लो करते हो, जिससे क्या है, सब जगह पर पानी चला जाता है। एक तरीके से मान सकते हो आर्टिफिशियल छोटी सी नदी टाइप, ये कैनल्स होते हैं। तो इनके थ्रू आप क्या है, वाटर सप्लाई कर सकते हो। ये आपके इंडिया में अलग अलग जगह आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर का या फिर आर्टिफिशियल इरिग्रेशन का क्रॉप्स में एग्जांपल देखे। क्या क्या एग्जांपल हो गए आपके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इरिग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है या क्या क्या उसमें यूज़ की जाते हैं टू, मतलब किन से हमें वाटर का सप्लाई होता है, तो क्या लिखेंगे हम, ट्यूबवेल्स, टैंक्स और कैनल्स, इनके थ्रू हम आर्टिफिशियल इरिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैनल्स के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। कैनल्स आर चैनल्स दैट आर डग अलोंग साइड द रिवर बेड्स। ये क्या होता है, कैनल्स क्या होती हैं, नदियों के जस्ट किनारे गड्ढा खोद के कैनल्स बनाई जाती है। तो नदियों के पानी को गड्ढा खोद के एक नाली टाइप बना दिया जाता है, जिससे वाटर, नदी का वाटर फ्लो होकर सीधा आपके खेतों तक आता है। दे टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द फील्ड फॉर इरीग्रेशन, ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया। When river are flooded during the rainy season, extra water is diverted into canals that carry water is distance filled. जब बारिश का सीज़न होता है तो नदियों में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो बाढ़ आने के खतरे हो जाते हैं, बाढ़ आने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या होता है ना कि जब ये कैनल्स बनाई जाती है तो बहुत दूर जो खेत हैं जहाँ पर नदी नहीं है, उसके आसपास नदी नहीं है, तो ये कैनल्स खोद के वहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट मीन्स उसका रास्ता चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि बाढ़, जो नदी का पानी लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, ठीक है। इससे बाढ़ आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स कैन टर्म अ बैरन लैंड इनटू अ ग्रीन लैंड। देखो, नेट कैनल्स का नेटवर्क, मतलब बहुत सारी कैनल्स एक दूसरे से जुड़ी होंगी, तो वो एक बैरन लैंड, इट मीन्स कि एक बंजर भूमि जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा हो, उससे वहाँ पर पानी का सप्लाई करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वो एक हरा भरा लैंड बना सकते हैं, मतलब वहाँ पर हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल सप्लाइज वाटर फ्रॉम द रिवर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू द ड्राई रीजन्स ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनल जो है, एक कैनल है, बहुत बड़ी कैनल है ये क्या करती है, पंजाब और हरियाणा की नदियों से वाटर लेकर राजस्थान में सप्लाई करती है। तो कैनल्स आप एक छोटी सी जगह पर नहीं बनाई जाती, एक बहुत बड़े एरिया में बनाई जाती है, ठीक है। देखो, यहाँ पर तो दो स्टेट्स को मिला रही है, पंजाब से राजस्थान तक पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। द सिरहिंद कैनल एंड दी आगरा कैनल एंड दी बखरा कैनल आर इम्पॉर्टेंट कैनल्स। ये कैनल्स के आपको नाम दे रखे हैं, 3 इम्पॉर्टेंट कैनल्स, ठीक है। अब वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की बात करें, तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स क्या है, द अंडरग्राउंड वाटर इज़ ब्रॉड टू द सरफेस बाय मीन ऑफ वेल्स।
एंड ट्यूबवेल्स। यहाँ पर बताया कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम ट्यूबवेल्स और वेल्स का यूज़ करके सरफेस तक लाते हैं। यही वेल्स और ट्यूबवेल्स काम करते हैं, इनका यही काम होता है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर इरिग्रेशन। इन वाटर का यूज़ हम पीने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे जो गाँव में लोग होते हैं वो हैडपम्प से पानी लेते हैं, ट्यूबवेल से पानी लेते हैं और कुओं से पानी लेते हैं। इन पानी को वो एज ए ड्रिंकिंग यूज़ करते हैं, एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं और साथ में इरिग्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मोस्टली यूज इन नॉर्थन प्लेन्स, दैट इज़ इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है वो कहाँ पर? नॉर्थन प्लेन्स में यूज़ किया जाता है। नॉर्थन प्लेन्स क्या क्या है? जो कि आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार साइड जो स्टेट है, ये सारे आपके नॉर्थन प्लेन्स में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर। अब जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, अपने थोड़ी नीचे होगा तो हम ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगा, बहुत ज़्यादा गहराई में होगा अंडरग्राउंड वाटर, तो उसको ऊपर सरफेस तक लाने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत लगती है। आपने देखा होगा ना, वाटर मोटर लगी हुई होती है बड़ी बड़ी सी, तो उन वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो क्या करते हैं, फिर पानी को ऊपर खींच के लेके आते हैं। अ डीप बोर इज डग डाउन इन टू द वाटर टेबल एंड अ पाइप देन यूज टू पम्प वाटर थ्रू द ट्यूब, सच अ वेल इज कॉल्ड ट्यूबवेल। देखो, ट्यूबवेल का एक जैसे बना रखा है, यहाँ पर एक बड़ा सा पाइप अंदर तक डाला जाता है और फिर उस पाइप में से पानी को बाहर फ्लो किया जाता है, ये ट्यूबवेल होता है। अब टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इन सम एरियाज वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग वेल्स, टैंक्स एंड पॉन्ड्स आर मेड टू कलेक्ट रेन वाटर्स। ऐसे एरिया जहाँ पर वेल्स खोदना, मतलब कुएं खोदना या फिर ट्यूबवेल्स खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ पथरीले इलाके होते हैं, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ आप नहीं खोद सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर फिर आप वाटर को कैसे कलेक्ट करोगे? तो हम टैंक्स या पॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब एक छोटा सा एरिया खोद देते हैं, तालाब जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज़ करके। सो इनका यूज़ रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग ड्राई पीरियड वाटर फ्रॉम टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज यूज्ड फॉर इरीग्रेशन। दिस मीन्स ऑफ इरीग्रेशन आर मोस्टली यूज इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये क्या होता है, बारिश के पानी को कलेक्ट करके रखते हैं, और ये कहाँ यूज होता है, सबसे ज़्यादा साउथर्न प्लेस में। अब नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।